काजू पनीर अगर आप इस तरीके से बनाओगे तो बच्चे बड़े सब मांग मांग कर खाएंगे। हेलो दोस्तों, राधे राधे। चोखी कुकिंग में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज अपन बनाएंगे रेस्टोरेंट स्टाइल में काजू पनीर मसाला, जो बहुत ही टेस्टी और हेल्दी रेसिपी है और बहुत ही जल्दी बन जाती है। अपन आसान तरीके से बनाएंगे। अगर आपने काजू पनीर मसाला इस तरीके से ट्राई किया तो रियली आप रेस्टोरेंट जाना ही भूल जाएंगे दोस्तों। तो चलो शुरू करते हैं। एक पेन में एक चम्मच घी लेते हैं। घी मेल्ट होने के बाद में अपन इसमें डालेंगे एक लौंग, 5-7 काली मिर्च, 5-6 काजू। फ्राई कर लेंगे, मीडियम फ्लेम रखना है। एक चम्मच सूखा धनिया हल्का सा रोस्ट कर लेंगे। अब अपन इसमें 1 इंच अदरक का टुकड़ा और थोड़ी सी लहसुन की कलियां ऐड करेंगे। हल्का सा फ्राई करेंगे। इसके बाद में अपन प्याज हरी मिर्च ऐड करेंगे और हल्का सा पका लेंगे। अब अपन इसमें 1 चम्मच सफ़ेद तिल ऐड करेंगे। तिल से बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा दोस्तों ग्रेवी में। थोड़ा सा नमक ऐड करेंगे जिससे कि प्याज अपनी जल्दी से सॉफ्ट हो जाए। अब अपन इसमें 2 टमाटर ऐड करेंगे जिनको मैंने बड़े बड़े पीसेज में कट किया है और मीडियम फ्लेम पर लगभग 2 मिनट के लिए पका लेंगे। अच्छे से नहीं पकाना है दोस्तों, हल्का ही पकाना है। तो पक चुके हैं अपने प्याज टमाटर। अब अपन गैस का फ्लेम बंद कर देंगे और इनको हल्का सा ठंडा कर लेंगे। ठंडा हो जाने के बाद में अपन मिक्सी के जार में डाल करके इनका बारीक महीन पेस्ट बना लेंगे। तो दोस्तों मैंने बारीक पेस्ट बना लिया है, ये आप देख सकते हैं। अब अपन इसमें लगभग 2 बड़े चम्मच जितना दूध की मलाई ऐड करेंगे। मलाई से ग्रेवी में बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा। अब अपन कलर के लिए 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च ऐड करेंगे और दोबारा से 1-2 राउंड घुमा लेंगे। तो मैंने मिक्स कर लिया है। अब अपन इसी पेन में 2-3 चम्मच देसी घी और ऐड करेंगे, क्योंकि घी में अपन को काजू भी फ्राई करने हैं और पनीर भी फ्राई करना है और इसी में अपन सब्जी भी बनाएंगे। तो अपन काजू फ्राई कर लेते हैं। काजू अपने फ्राई हो चुके हैं, हल्का सा सुनहरा कलर लाना है। अब अपन पनीर फ्राई कर लेते हैं 15 से 20 सेकंड के लिए। लगातार चम्मच से चलाते हुए अब अपन पनीर को निकाल लेते हैं और इसी घी में सब्जी बनाएंगे। 1 लौंग, 3 काली मिर्च, 1 बड़ी इलायची जिसका मुंह खोल के डालेंगे, 1 तेज पत्ता, 1 साबुत लाल मिर्च और 1/2 छोटा चम्मच जीरा ऐड करेंगे। थोड़ी सी हींग ऐड करेंगे। जीरा चटकने के बाद में अपन ये ग्रेवी ऐड कर देंगे। थोड़ी सी कस्तूरी मेथी हाथों से क्रश करके डालेंगे। अब इसमें 1/2 छोटा चम्मच गरम मसाला, 1/2 छोटा चम्मच धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर और थोड़ी सी कुटी हुई लाल मिर्च और 1 छोटा चम्मच जितना अपन कश्मीरी लाल मिर्च ऐड करेंगे अच्छे कलर के लिए। और अच्छे से अपन मिक्स करके लगभग 2 से 3 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर पका लेंगे। मसाले पक जाने के बाद में अपन 1 कप जितना पानी ऐड करेंगे। स्वादानुसार नमक ऐड करेंगे। पानी अपन ने जार को धो कर के डाला है। अच्छे से मिक्स कर लेंगे और पका लेंगे लगभग 5 से 6 मिनट के लिए, जब तक कि
ग्रेवी अपना घी नहीं छोड़ने लगे। बीच बीच में चम्मच से चलाते रहेंगे तो ग्रेवी अपनी घी छोड़ चुकी है। अब अपन इसमें फ्राई किए हुए काजू और पनीर ऐड कर देंगे और हल्के हाथों से ऐसे मिक्स कर देंगे अच्छे से, और 3 से 4 मिनट और पका लेंगे लो मीडियम फ्लेम पर। तो दोस्तों सब्ज़ी अपनी बन करके रेडी है। बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है सब्ज़ी से, बहुत ही अच्छा सा कलर आया है, आप भी देख सकते हो, देखते ही खाने का मन कर रहा है। तो आप भी ज़रूर ट्राई करिएगा इस रेसिपी को। थोड़ा सा हरा धनिया और ऐड कर देंगे और मिक्स कर देंगे। तो दोस्तों चंद मिनटों में ही बन करके रेडी हो जाती है अपनी काजू पनीर मसाला रेसिपी। तो आप भी ज़रूर ट्राई करिएगा। अगर आपने काजू पनीर मसाला इस तरीके से बनाया तो मेरी गारंटी है आप बार बार बनाओगे, क्योंकि ये सभी परिवारजनों को पसंद आने वाली है। बच्चे बड़े सब मांग मांग कर खाएंगे। बहुत ही टेस्टी रेसिपी है और हेल्दी रेसिपी है। तो दोस्तों आप झटपट बनाइएगा और हेल्दी रहिएगा। अगर आपने इस तरीके से एक बार भी काजू पनीर मसाला बना लिया तो आप रेस्टोरेंट जाना भूल जाएंगे और बार बार बनाएंगे। तो दोस्तों ज़रूर ट्राई करिएगा। अगर आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, जिससे कि हमें मोटिवेशन मिलता रहे और हम आपके लिए ऐसे ही नई नई रेसिपीज लेकर आते रहें। कमेंट करिएगा दोस्तों, वीडियो को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा एंड बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा, जिससे कि आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंचता रहे। राधे राधे।